सो हमारे पास आ चुका है Xiaomi का 2023 का फ्लैगशिप Xiaomi 13 Pro और इसके अंदर Xiaomi ने हर वो चीज पैक कर दिया जिससे इस फोन का वजन भाई आईफोन को बीट करने वाला हो चुका है। और इसके अंदर Snapdragon Gen 2 है, Leica से कैमरा बनवाया इन्होंने Xiaomi वालों ने ताकि कैमरा क्वालिटी तुम्हें तगड़ा मिल सके। सारी टेस्टिंग इस वाले वीडियो में कर लेंगे, उससे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। 694 ग्राम का बॉक्स है ये भाई, 1 किलो का बना सकते हैं ये लोग। सबसे पहले आपको फोन मिल जाएगा, काफी जगह से घूम के आया भाई ये, इसलिए थोड़ा फट फूट गया। Xiaomi की पतली सी पिन मिल जाएगी यहाँ पे और कुछ पेपर डॉक्यूमेंट चाइनीज में लिखा हुआ भाई, क्योंकि हमने इसको चाइना से इंपोर्ट किया आपके लिए। फ्लैगशिप फोन के अंदर सस्ता वाला टीपीयू केस दिया हुआ है उन्होंने भाई, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट कर ही सकते हो, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस की बात हो ही गई है, यहाँ पे आपको मिलेगा 120 वाट का चार्जर और ये चार्जर इनका बहुत फास्ट है और एक टाइप सी केबल मिल जाएगी। अनबॉक्सिंग के लिए इतना ही कुछ था, अभी बात करते हैं हम लोग फोन के बारे में। ओ भाई फोन तो पूरा फुल ग्लॉसी बनाया उन्होंने, इसके ऊपर मस्त ऐसे फिंगरप्रिंट स्मजे आते हैं, लेकिन बहुत प्रीमियम लगता है। मेरा मिरर भी आराम से रिप्लेस हो सकता है इससे। एक बार केस में लगा लेते हैं, इसकी ब्यूटी डेफिनेटली छुप गई है केस के साथ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे डेफिनेटली प्रीमियम डिजाइन लगा। फोन इन हैंड यूज करते में आपको प्रीमियम फील होता है, इसके शार्प एजेस फील होते हैं जिसकी वजह से आपको होल्ड अच्छा आता है और फॉर्म फैक्टर एकदम पतला दुबला सा है, तो भाई अच्छा फोन है। कैमरा बम्प थोड़ा सा ज्यादा है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है फोन यूज करने में, उंगली ऐसे अड़ जाती है यहाँ पे। धवल सर आप ही से पूछ लेते हैं, रोड पे आइए आप, रोड पे लाना चाहता है ये आदमी। ये वाला फोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ अभी, इसको फील करके देख कितना महंगा कितना प्रीमियम लग रहा है। सिरेमिक है क्या? हाँ सिरेमिक है भाई, काफी प्रीमियम है भाई, ये तो जेन्युइनली काफी प्रीमियम है। S22 अल्ट्रा के टक्कर का फोन है ये, दिख रहा है मतलब 80 देगा इसका? नहीं दूंगा तो नहीं। मुमताज से पूछते हैं भाई, फील करके बता भाई कैसा लग रहा है आपको? उल्टा पकड़ो या सीधा पकड़ो, बात दोनों बराबर लग रहा है स्क्रीन तो, पहला नंबर ये। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, इसके अंदर फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है और ग्लास का फील बहुत ज्यादा आ रहा है। वैसे एक सिरेमिक बिल्ड है, साइड में आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी मिल रही है, जोर से मार दिया भाई। और सिरेमिक बॉडी पे स्मजे ज्यादा आते हैं लेकिन ये ग्लास से ज्यादा प्रीमियम होता है। और इस फोन के अंदर इनोवेशंस भाई से कूट कूट के भरी हुई है दोस्तों। 3 चिपसेट डाला है, पहला तो मैंने आपको बता दे Snapdragon Gen 2 है, लेकिन बाकी दोनों चिपसेट Xiaomi ने खुद से बनाया। बैटरी मैनेजमेंट चिपसेट है इसके अंदर और चार्जिंग मैनेजमेंट चिपसेट है, मतलब 120 वाट चार्ज करोगे तो आपका हाथ और आपके एनवायरमेंट भी सुरक्षित रहना चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा सिक्योर है। दूसरी बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में, ये वाला डिस्प्ले अपने iPhone 14 Pro Max को बीट करने आया था। अभी दोनों ही फोन फुल ब्राइटनेस पे आप देख सकते हो, उसका पीक ब्राइटनेस है आईफोन से बस 100 निट्स कम है, 1900 निट्स पे जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये कर्व डिस्प्ले है और कर्व डिस्प्ले का जो जनरेशन है वापस आ गया है 2023 में। अभी रियलमी ने तो 25,000 रुपए में कर्व डिस्प्ले डाल दिया और ये वाला रियलमी 10 प्रो प्लस है, इसकी वीडियो में बना रखी है, उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको सस्ते में एक बहुत ही तगड़ा डिस्प्ले कर्व भी होना चाहिए तो। अभी हम लोग आउटडोर आ चुके हैं इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए, जो लाइका से कोलैब किया है Xiaomi ने, उसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। एक फ्लैगशिप कैमरा भी है दोस्तों। इसके नंबर्स के बारे में बात करें, 3 कैमरा देखने को मिलने वाला है सेम एज आईफोन। जो मेन सेंसर को 50.3 मेगापिक्सल का कैमरा है और वो भी एक वाइड एंगल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो जिससे जूम हो जाता है, प्लस आपका पोर्ट्रेट शॉट बहुत सेक्सी आता है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। एक बार कंपेयर करते हैं, कैमरा तो दोनों का बहुत तगड़ा लग रहा है। एक बार आईफोन से कैप्चर कर लेते हैं, एक बार करते हैं Xiaomi से। हमारे मॉडल भी सामने आ चुके हैं दोस्तों, 3x पे जाते हैं, देखो भाई 3x दोनों का टेलीफोटो लेंस पे है, 1x पे। मॉडल से पूछ लेते दोस्तों आपको कौन से फोटोज पसंद है? ये थोड़ी ब्लू टोन में ज्यादा आ रहा है, थोड़ा नेचुरल है, मतलब आईफोन। हाँ आईफोन, इनिशियली मुझे भी आईफोन ज्यादा पसंद आ रहा है, आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो। आप लोग कौन सा पसंद ज्यादा आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। अभी कर लेते हैं फोकस टेस्टिंग, Xiaomi में भाई क्या तगड़ा फोकस कर रखा है इसने और थोड़ा शिफ्ट किया इसने। अरे भाई आराम से, हाँ ठीक है कैप्चर। अरे भाई स्ट्रगल कर रहा है आईफोन, आईफोन में भाई फोकस का इशू आ रहा है, Xiaomi ने किल कर दिया भाई यहाँ पे फोकस में। Xiaomi का टेलीफोटो लेंस बहुत इंप्रेसिव है यार। एक बार दोनों का पोर्ट्रेट कंपैरिजन करते हैं, अपना आईफोन 2x पे यहाँ पे और Xiaomi है 3x पे, और यहाँ पे लाइका के बहुत सारे फिल्टर्स भी हैं। 50mm पे ले रहे हैं अभी हम लोग देखो, और अभी हम लोग 35mm पे ले रहे हैं, ये है 75mm। ओ भाई साहब सॉफ्ट फोकस क्या है ये, 90mm बहुत जूम होगा ये। ये सारे प्रो लेंसेज एक्चुअल में लाइका वाले बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। आईफोन के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों आपको, लेकिन एक बार हम इससे भी ले लेते हैं। अच्छा आईफोन के अंदर इनका सस्ता वाला फिल्टर है जो कुछ ऐसा काम करेगा, ये आईफोन का 3x है। कंपैरिजन टाइम, यहाँ पे अगर ब्लर्स के बारे में बात करें, Xiaomi ने सच में बहुत ही अच्छा फोकस किया है, लेकिन आईफोन ने भी बहुत तगड़ा काम किया है यहाँ पे। आईफोन 2x पे, Xiaomi 3x पे। एक बार मॉडल से पूछते हो तुमको कौन चाहिए? 13 क्यों? क्योंकि इसका ब्लर बैकग्राउंड बहुत ही तगड़ा और क्लियर है। तो अभी थोड़े से ह्यूमन पोर्ट्रेट्स ले लेते हैं, एक्चुअल में स्किन टोन कितना अच्छा मेंटेन हो पा रहा है इस वाले कैमरे से देखते हैं भाई। वैसे इसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का, एक दो फोटोज ट्राई करते हैं इसके ऊपर।
ब्यूटिफिकेशन के काफी सारे मोड है, लेकिन भाई असली मर्द ओरिजिनल पे शूट करते हैं। ओवरऑल अच्छा सेल्फी कैमरा आप कह सकते हो, लेकिन एक बार अगर आईफोन से कंपेयर करते हैं, वन वर्ड में आईफोन से कोई कंपैरिजन नहीं है सेल्फी में इसके। आईफोन की सेल्फीज बहुत ज्यादा नेचुरल टोन पे आती है। और अगर वीडियोस के बारे में बात करें, 8K 24 FPS तक आप मैक्स रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K में 60 FPS मिल रहा है, 1080p एंड 720p। मुझको गंदा शौक लगा इसके अंदर 4K नहीं है फ्रंट रिकॉर्डिंग में, क्या इनसेन बात है ये, 2023 का फ्लैगशिप विदाउट 4K। सो ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p पे, और भाई ये है इसका सेल्फी वीडियो। एक्चुअल में इसका सेल्फी कैमरा बहुत ज्यादा एवरेज में कहूंगा फॉर द प्राइस पॉइंट। भाई फ्लैगशिप कैमरा है, एक्सपोजर मेंटेन नहीं हो पा रहा है इससे। सो अभी जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये है 1080p 60 fps पे Xiaomi 13 Pro कैमरा से, और ये वाला फुटेज है iPhone 14 Pro Max कैमरा से। ये भी हम लोग 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोनों ही फोन का कैमरा आप वाइड एंगल पे स्विच कर सकते हो, और ये वाली इसकी वाइड एंगल की फुटेज है। आईफोन ने काफी अच्छा स्किन टोन मेंटेन कर रखा है, मतलब नेचुरल साइड पे हल्का सा येलो टिंट आ रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर Xiaomi के बारे में बात करें, कूल टोन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका स्किन टोन नेचुरल नहीं कह सकते। और ये वाले फुटेज 4K 60 fps पे रिकॉर्ड हो रही है Xiaomi 13 Pro से और iPhone 14 Pro Max से। तो दोनों ही कैमरे का एक बार स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं। को एक्चुअल में अंदाजा लग जाएगा कि भाई कौन ज्यादा स्टेबल है। और अगर Xiaomi के बारे में बात करें, तो कैमरा सच में बहुत ज्यादा पसंद आया, आईफोन को टक्कर दे पा रहा है। 80,000 रुपए का फोन आने वाला है। अभी इस वाले रूम में पूरा अंधेरा है, और इसका कैमरा एक बार देखो, अंधेरे में मैं क्या कैप्चर कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। अभी लाइट ऑन कर दिया हमने, मैंने अपने मैकबुक की फोटो ली थी, और इसने अंधेरे में ये फोटो निकाली है, बहुत ज्यादा एपिक है, टोटली मैजिकल काम किया है इसने। अभी एक बार इसका नाइट मोड ट्राई करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा डिटेल है भाई नाइट के हिसाब से। लाइका का ये कैमरा बहुत तगड़ा है नाइट फोटोग्राफी के लिए। सो अपने Xiaomi 13 पे हम लोगों ने फोटोज क्लिक कर लिए, और इसका कैमरा सच में काफी ज्यादा तगड़ा है। तो अगर आईफोन से कंपेयर करें, आईफोन में नेचुरल टोन काफी अच्छा है, क्वालिटी थोड़ी ज्यादा बेटर लगी मुझे। ये जैकेट के ऊपर का टेक्सचर देखते हैं, यहाँ पे आईफोन की क्वालिटी एंड कलर ज्यादा अच्छे मेंटेन है, लेकिन ओवरऑल फोटोज दोनों बहुत अच्छी है। इवन की वाइड एंगल में भी आईफोन का HDR और कलर टोन बहुत ही अच्छा मेंटेन रहता है। इसका सेंसर बड़ा होने की वजह से लाइट ज्यादा अच्छा कैप्चर करता है। सिंपल वर्ड्स में इसका कैमरा आईफोन से तो बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल बात करें, पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छा कैप्चर करता है ये, और एक फ्लैगशिप कैमरा मैं डेफिनेटली इसको कह सकता हूँ। Xiaomi ने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन इसका सेल्फी कैमरा बहुत डिसअपॉइंटिंग सा लगा मुझे। मतलब कि 30-40 रुपए के फोन की परफॉर्मेंस वाला सेल्फी कैमरा है, जिसमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, AnTuTu बेंचमार्क देख सकते हो आप, 12,36,000 स्कोर आया इसका, और दुनिया में रैंक 2-3 पे होगा अभी, मतलब कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। एक बार अपना BGMI चलाते हैं, देखते हैं कितना ऑन होता है। उतना जल्दी ऑन नहीं हो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ग्राफिक्स के बारे में बात करें, स्मूथ पे आप एक्सट्रीम तक जा सकते हो, और इसके अंदर अल्ट्रा HD भी सपोर्ट करेगा, मतलब कि सारी पबजी की सेटिंग्स ऑन है इसके अंदर। चलो चलो थोड़ा खोपड़ी फोड़ के आते हैं दोस्तों। वो भाई क्या स्मूथनेस है इसकी, ये लास्ट मैंने मारा, देखा भाई परफॉर्मेंस का फायदा तो हुआ। एक्चुअल में इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा तगड़ा था, लेकिन अगर गेमिंग फोन iQOO 11 से कंपैरिजन करें, इसका गेमिंग एक्सपीरियंस ना ज्यादा एपिक नहीं था। मतलब कि डेफिनेटली फ्लैगशिप परफॉर्मेंस है, लेकिन iQOO की जो टच लेटेंसी है ना, उसमें अलग ही मजा आता है, इसीलिए गेमिंग के लिए तो ये वाला फोन भाई बीस्ट है। वैसे इन दोनों ही फोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन जल्दी ही आ रहा है, आपको डेफिनेटली पता चला है कौन ज्यादा परफॉर्मेंस वाला फोन है। और बैटरी इसके अंदर 4820 mAh की मिलेगी, और चार्जर डेफिनेटली आपको 120 वॉट का बॉक्स के अंदर मिल रहा है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको बैटरी और चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ये वाला फोन 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, और इसके अंदर रिवर्स चार्जिंग भी है, तो आप अपना आईफोन या फिर कोई वायरलेस एक्सेसरीज इससे चार्ज कर सकते हो, चार्ज हो रहा है। तो फाइनल बात, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फोन बनाया है Xiaomi ने, लेकिन सेल्फी कैमरा एवरेज लगा मुझे। अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अगर इंडिया में लॉन्च हो रहा है और इसकी प्राइसिंग अगर 60-70 के बीच में आती है, तो एक बहुत ही अच्छी प्राइसिंग रहेगी, और अगर 60 से नीचे रहा है तो भाई बवाल फोन रहेगा, मतलब तगड़ा। और इस वीडियो को देखते रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। Xiaomi 13 Pro इंडिया में लॉन्च होगा, तो हम उसका वीडियो बनाएंगे इंडियन वेरिएंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।